हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चिया व्लॉग्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। घर के अंदर की मैंने क्लीनिंग कर ली थी तो बाहर थोड़ा रह गया था, यहाँ भी मैं अभी थोड़ा सफाई कर लूँगी। और रौनक आज फर्स्ट डे है तो उसका मैंने लंच बना के रख दिया उसके बैग में। तो रौनक को भी मैंने रेडी कर दिया था, उसकी अभी यूनिफॉर्म बनने गई थी तो अभी तब तक बिना यूनिफॉर्म के ही जाएगा। और यहाँ पे मैं उसको टीके लगाई थी, आंखें दिखा रहा था मुझे, मैंने बोल दिया तो फिर हंस रहा था कि मैंने कहा कि ऐसे आंखें की दिखा रहे हो। और यहाँ पे मैंने उसको दही और मिठाई यहाँ पे मैंने खिला दी थी तो मुंह बना रहा था, बोला तो और नहीं खाऊँगा, बस थोड़ा सा मैंने उसको खिला दिया था क्योंकि फर्स्ट डे था। और यहाँ पर रौनक ने पूजा कर ली थी और सबके पैर छू के चले गया था अपने पापा के साथ। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी चाय, इंडक्शन मैंने चढ़ाई हुई है। और रौनक भी स्कूल चले गया था तो थोड़ी सुनसानी हो गई थी घर में, घर में रहता है तो थोड़ी चहल पहल रहती है। और यहाँ पे मैं अभी चाय पी रही हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। और अभी हो गया है दोपहर और रौनक को स्कूल लेने हम जा रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं भी चल रही हूँ इनके साथ, तो ये बोले थे कि ठीक है। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और पहला दिन था तो फिर मेरा भी मन हो रहा था कि उसको लेने के लिए मैं भी चलूं साथ में, तो मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी तो मैं भी रेडी हो गई थी। और अभी रौनक की छुट्टी होने को थी, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे और पेरेंट्स भी आए थे अपने बच्चों को लेने के लिए, तो हम लोग यहीं अभी वेट कर लेंगे। तो रौनक का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आता है, तब तक हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। तो अभी रौनक को पता नहीं था, रौनक को बताया नहीं था कि मैं भी आऊँगी उसको लेने के लिए, तो हमने सोचा कि मैं भी चलती हूँ तो खुश हो जाएगा कि मम्मा पापा दोनों जने लेने के लिए आए हैं उसको, और बाकी दिन तो इन्हीं के साथ आएगा। फिर वो तो एक जब से एडमिशन हुआ था उसका तब से वो बहुत बोल रहा था कि मम्मा स्कूल जाना है स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए कभी ज़्यादातर रोता नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि स्कूल स्कूल स्कूल, उसको बहुत ज़्यादा स्कूल का लगता है। तो यहाँ पे भी बेल बज गई थी और बच्चे भी आने चालू हो गए थे एक एक करके, छोटी क्लास के बच्चे जो, तो उनकी छुट्टी हो गई थी और यहाँ पे सब आने लग गए बच्चे। तो मैं सोच रही थी कि रौनक कब आएगा क्योंकि वो स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहन के नहीं गया था क्योंकि उसकी अभी बनी हुई नहीं थी, तो थोड़ी देर में उसकी भी यूनिफॉर्म बन के आ जाएगी। तो उसी का हम लोग अभी उसी को हम लोग देख रहे थे कि अभी तक आए नहीं है। धीरे धीरे बच्चे आने ही लग गए थे यहाँ पे एक एक करके, और लोग और बच्चों के भी पेरेंट्स आने लग गए थे यहाँ पे बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चे आ गए हैं, अब आए हैं रौनक के ऊपर, तो अब हम चलेंगे सीधे घर को। आ चुका है रौनक और आज इसने फर्स्ट डे नहीं, अपने दो तीन फ्रेंड भी बना लिए बता रहा था हमको, और बहुत अच्छा लगा उसको स्कूल में। मैंने सबसे पहले यही पूछा उसको कि कैसा लगा, तो बोला था बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुमसे जाऊँ मैं, तो आपने लंच कर लिया था? हाँ।
फ्रेंड्स, आज रौनक की मार्कशीट मिल गई है स्कूल से, और जहाँ वो पहले पढ़ रहा था, और उसकी जो है डिवीज़न आई है, फर्स्ट डिवीज़न आई है, और अच्छे नंबर भी लाया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है मुझे, क्योंकि इतना ही मेहनत करता है तो उस मेहनत से जो उसको नंबर मिले हुए हैं, तो क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और मेहनत करके जो है अच्छे नंबर लेकर आया है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और रौनक भी, और रौनक को आज डबल खुशी मिल गई है, क्योंकि आज इसका एक फर्स्ट डे था स्कूल में, आज न्यू स्कूल में। और दूसरा, उसकी मार्कशीट भी मिल गई है जिसमें वो फर्स्ट डिवीज़न लेकर आया है, बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे हाथ में है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। यह है रौनक का रिपोर्ट कार्ड, क्लास केजी का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न आई है रौनक की, और नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। बुआ, मिठाई नहीं खिलाई आपने? मिठाई ला रहा, लेने जा रहे मिठाई? हाँ। रौनक जा रहा है मिठाई लाने, और कैसा लग रहा है आपको? अच्छे। तो रौनक जा रहा है अपने पापा के साथ यहाँ मिठाई लेने के लिए, और फिर मैं भी चले आऊँगी छत में, मुझे पेड़ों में पानी डालना था, तो यहाँ पे अभी शाम हो गई है और आ गई मैं छत में यहाँ पेड़ों में पानी डालने के लिए। जो धनिया मैंने लगाई हुई थी पहले, तो वो तो बहुत मैंने यूज़ कर ली थी, और थोड़ी बहुत कम कम होती गई थी, और उसके बाद फिर वो सूखी गई थी, तो उसमें मैं पानी नहीं डाली हूँ क्योंकि वो पूरी बेकारी हो गई है। और जो पेड़ है टमाटर के, अमरूद के और नींबू के, तो उन्हीं में मैं पानी यहाँ पे दे दूँगी पेड़ों में, क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ हो गई है ना कि मतलब पूरे पेड़ जल्दी सूख जाता है, एक दिन भी पानी ना दो तो। तभी यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पानी डालती हूँ पेड़ों में, ताकि जल्दी जल्दी सूखे ना। अमरूद के भी पेड़ में मैंने पानी दे दिया है, और देख सकते हैं पीछे यहाँ पे चिड़ियाँ बैठी हुई है, इनके लिए मैंने पानी यहाँ पे रखा था, मैंने पानी रखा था, वो पता नहीं कहाँ गया उड़ के। तो फिर कल मैं दोबारा फिर से कोई दूसरे बर्तन में पानी रख दूँगी यहाँ पे, और अभी तो शाम ही हो गई है, अब तो मैं नीचे चली जाऊँगी। ये पापा ने कूलर लगा दिया है, और क्योंकि गर्मी आ गई है, तो इधर पहले छोटा कूलर रखा हुआ था, लेकिन अब पापा ने बड़ा कूलर इधर रख दिया है। और रौनक यहाँ पे आ गया है, लेकिन मिठाई लेने के लिए गया था, सोन पापड़ी ले आया, क्योंकि उसको सोन पापड़ी अच्छी लगती। रौनक यहाँ पे लेने गया था ये सोन पापड़ी, और मतलब मिठाई लेने के लिए गया था, लेकिन वो सोन पापड़ी बोला था तो सोन पापड़ी ले ली, तो ये लेकर आया है, और समोसे यहाँ पे लाया है। तो रौनक आज फर्स्ट आया है, उसी की खुशी में ये मिठाई लेने गया था अभी। तो और यहाँ पे रौनक के फ्रेंड भी आ गए हैं, इनको भी मैंने अभी सोन पापड़ी दे दी थी, तो अभी ये लोग टीवी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।